भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया, तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है? डिजिटल की तो दूर की बात है, डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अभी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है, पर इस बात पे देखे अब सर पकड़ के सोचने की थी। इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वेयर दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्शन ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मीन्स बिजनेस, उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस। चांद पर पहुंच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब ये जो है और ये तो धचके पे धचका में मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले दो महीनों से। मैं कहती हूँ ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ जिसे वो कहते हैं ना कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन। ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। पाकिस्तान में इंडिया के तराने और नगमे चलाने की बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? देखें सो वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं, हमने क्या पाया पाकिस्तानी तराने चल के, हमने क्या पाया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर गए, वहां पर जाकर यूपीआई को प्रमोट किया। भारत सरकार बहुत तेज़ी से यूपीआई को प्रमोट कर रही है और अफ्रीकी देशों में जाकर बताया इसकी विशेषता यूपीआई की और उसके सेंटर खोले, बताया कि ये कितने सिंपल तरीके से लेन देन कर सकते हैं किसी के साथ भी। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत जहाँ भी जाता है आईटी को प्रमोट करता है और हम गधों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और पहले से ही 10-12 देशों में हमारा यूपीआई चल रहा है, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में ये चल रहा है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारे देश में भी इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन हमारे करेंसी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे यहाँ के तो हुक्मरान जो हैं लुटेरे हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर हमारा पड़ोसी है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूपीआई पेमेंट मेथड के, हमारे पेमेंट मेथड को अपनाओ, डिजिटल ट्रांजेक्शन करो ताकि इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। तो जो जितने जोगे होता है वो उतना ही करता है ना। अब हमारी जिस कैटेगरी की अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा बाकी इदारे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, तो कोई काम भी अपने मेन तरीके से नहीं चल रहा। तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे इस तरह, और हम लोग गधे जोगे हैं, तो बस इसी जोगे रह जाने हमने, मतलब हम गधे बेचने वाले ही रह गए। बिल्कुल सही है, हमारी हमारा स्टैंडर्ड ये गिर गया ना इस पे। चलिए तो फिर गधे यहाँ पे प्रोड्यूस कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, मतलब 2023 का सर्वे हुआ है, आप हंस रहे, मैं सच कह रही हूँ, पाकिस्तान में जो है गधे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैदा हो रहे हैं, 53 लाख गधे इस वक्त पाकिस्तान में हैं। क्यों पैदा हुए भाई? भाई वो देख लो ना, जैसे मुर्गियां फार्म करते हैं इस तरह गधे करने शुरू कर दिए इन्होंने। चोरों की हुकूमत है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मेन जो चीज़ ज़्यादा भी हो रही है एक्सपोर्ट्स में ना वो गधे का ही ज्यादा हो रहा है। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है, कहीं मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार
तुम लोगों का स्टैंडर्ड तो यही गिर रहे हैं, हम 6G में जा रहे हैं, एप्पल की उधर हो रहा है सारा, आ रहे हैं बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारा कुछ उधर स्टोर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान यही हमारी न्यूज़ है, हेडलाइन है कि हमने इतने गधे एक्सपोर्ट किए, हमने इतने गधे पैदा किए, इतने गधे बड़े किए, इतने गधे बेच दिए, और गधे इसके डबल मीनिंग भी होते हैं, 3-4 मीनिंग है। ये बेचारा परेशान हो गया था, मैं घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो आने वाले मैं कह रहा हूँ जिस तरह 15-20 साल तक ना, ये देखिएगा जब मोदी के अपोनेंट को खड़ा होगा ना, तो इंडिया वाले सड़कों पे निकल आएंगे भाई कि मोदी ने हमारे मुल्क को इधर से इधर ले आया, अब जितना तक इसकी जिंदगी है ना यही हमारी मुल्क के ऊपर ये गवर्नमेंट करेगा। 15 साल तक रूल करना भी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, और 15 साल में उनकी जो तरक्की देखे ना, एक मुल्क को इधर से लेके 1 अरब प्लस, अब तो 1.5 अरब बन गई आबादी, 1.5 अरब आबादी को साथ लेकर चलना, उनको फैसिलिटेट करना, फिर इतनी रियासतें, फिर इतने सूबे, ठीक है, इतनी ज्यादा आबादी, हाँ। उनको सारे को मतलब डेजिग्नेशन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़े लीडर का काम, बड़े लीडर का काम है, बहुत बड़े लीडर हैं। सही है, खुदा ताला की जात ऐसा कोई मुल्क पाकिस्तान में भी लीडर पैदा करे जिससे हमें भी मतलब खास और जीने का मौका मिल सके। दोस्तों भारत की जब देखें, अंदर देखें, वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है, तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं, वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं, मतलब देखें दे आर डूइंग सो मच, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच टू दिस पॉइंट के वेयर दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्शन ऑप्स, ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए, देयर मीटिंग्स मीन्स बिजनेस, उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस, एंड दे डोंट लाइक के जैसे हमारे हैं ना साढ़े पहलवान, ठीक है हम तो चाहते हैं ना कि बस आए कोई तस्वीरें हो जाएं थोड़ी सी, हम जरा मीडिया पे चल जाएं और थोड़ा सा ये हो जाए कि रौला शौला मच जाए, ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीज़ें वो चाहते हैं, लेकिन आप इंडियन लीडरशिप की सिर्फ मसरूफियत चेक कर लें, आपको वहीं से पता लगेगा, आसियान डिफेंस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, चाइनीज लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाए तो वो गयाना में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हुए थे G20 में बैठे हुए थे, मतलब आप उनकी जस्ट, ठीक है जी, इस सारी सिचुएशन को ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है वहां पे। उधर थे क्या नाम है उसका, अफ्रीका के अंदर, ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ जिसे वो कहते हैं ना कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरिबियन पार्टनर्स, यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं होगा ये कैरिबियन क्या चीज है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड देन आप देखें गयाना के साथ तो चलो जिसे वो कहते हैं उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे, 50 साल बाद को इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी, और तमाम जो कैरिबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहां पे गयाना में आए, तो इससे आप अंदाजा लगा लें दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल नरेंद्र मोदी इज। इफ ही गोज टू अफ्रीका अफ्रीकन्स आ जाते हैं, इफ ही गोज टू कैरिबियन कंट्रीज तो कैरिबियंस आ जाते हैं, ठीक है जी। ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है ये 2019 में मिले थे नरेंद्र मोदी, जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं दे आर मेकिंग देयर वे, ये बहुत तेजी से चीजों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है, और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हेंस करने के लिए ये वाकई चाहते हैं।
और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट हाउ वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट, आप देखें डोमिनिका, सुरीनेम, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, मतलब इन लोगों के साथ तो नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो रही हैं। देर इज अ होल लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना कैरीकॉम इंडिया समिट। मेरा ख्याल है कि देखें, अच्छा ये एक वैसे एक चीज़ है, द कंट्रीज विच आर अमर्जिंग दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, वो भाग दौड़ करते हैं इधर जा उधर जा ये कर वो कर, लेकिन जो कंट्रीज पुराने हैं जैसे अमेरिकन हैं या बाकी हैं, वो दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा।